हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी आर एक्स मेडी हेल्थ। दोस्तों, आज हम लिप 52 सिरप के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, जैसे कि इसके क्या यूजेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं तथा इसकी डोजेज यानी कि इसको लेने का सही तरीका क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, जो लिप 52 सिरप है वो एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से मिलकर बनी हुई है और इसको हिमालय कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इस सिरप में मुख्य रूप से दो इन्ग्रीडियंट हैं, जैसे कि हिमसरा और कासनी। इन दोनों का बहुत ही अहम काम है, जो कि लिवर से जुड़ी सभी समस्याओं में उपचार के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो लिप 52 सिरप है उसकी अगर हम पैकिंग की बात करें तो ये 100 ml और 200 ml पैकिंग में आती है। ये इसकी 200 ml की पैकिंग है, जिसकी MRP 135 रुपये है। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, और ये इसकी 100 ml की पैकिंग है। उसके अलावा दोस्तों, इसका लिप 52 DS भी आता है, और दोस्तों जो लिप 52 DS आता है वो डबल स्ट्रेंथ में है, यानी कि जो भी इंग्रेडिएंट पड़े गए हैं इसमें सब डबल हैं। तो जैसे कि अगर लिवर की समस्या ज़्यादा है तो वहाँ DS का यूज किया जाता है। इसकी MRP की बात करें तो दोस्तों इसकी भी 135 रुपये है, ये 100 ml का पैक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लिप 52 सिरप के यूजेस की। तो दोस्तों, जो लिप 52 सिरप है उसका मुख्य काम लिवर में, यानी कि जैसे कि फैटी लिवर हो गया है, अल्कोहलिक लिवर है, या लिवर से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वहाँ आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर लिवर के मामले में बिकता है तो लिप 52 सिरप है। देन दूसरे नंबर पर, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आप दुबले पतले हैं, तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। ये आपकी भूख को खोल देती है, जिससे आपको खाया हुआ सब लगता है और धीरे धीरे आपका शरीर मोटा होने लगता है, गाल आपके भर जाते हैं, तो वहाँ इसका बहुत अच्छा रोल है। देन उसके अलावा, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया है, आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, तो आपको तुरंत ही फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, वहाँ भी इस सिरप का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिरप आपके लिवर को मजबूत करता है। तो जो भी आप खाएंगे तो उसको आप, जब खाना जल्दी पचेगा, अच्छा पचेगा, तो आपको भूख भी लगेगी और आपके शरीर को भी लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको एनीमिया या खून की कमी है, वहाँ भी इस सिरप का आप यूज कर सकते हैं, इसमें भी बहुत कारगर है। देन आपको जॉइंडस हो गया या मलेरिया है, तो वहाँ आपको वीकनेस है, वहाँ भी आप लिप 52 सिरप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके डोजेज की, यानी कि लिप 52 सिरप को लेने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, जो लिप 52 सिरप है उसको आप खाना खाने से पहले लेना होता है, और आपको इसको दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं या बुज़ुर्ग हैं तो आप 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, और अगर बच्चा है कोई 15 साल से कम का है तो आप इसको 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम तक दे सकते हैं। ये इसकी आइडियल डोज है, बाकी आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें, वो आपकी कंडीशन को देखते हुए डोज को घटा बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस सिरप को लेते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पूरी तरह से हर्बल सिरप है, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट हैं, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, तो जैसे कि आपकी त्वचा पे यानी स्किन पे जलन हो रही है या खुजली, इचिंग सी होने लगी है, तो आप इस सिरप को बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही इस सिरप का यूज करें। दोस्तों, प्रिकॉशन की बात करें तो अगर आप इस सिरप को ले रहे हैं तो आपको 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर हैं, उनको इस सिरप को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें, अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप इस सिरप को ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको लिप 52 सिरप के बारे में कंप्लीट जानकारी दी होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।